अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए नई रेसिपी लाए हैं। ये हम बकरे की गुजरी बना रहे हैं। ये नेटो से मिल जाती है बनी बनाई। बहुत से लोग खुश होके खाते हैं, पसंद करते हैं, और बहुत से नहीं भी करते, लेकिन मैं पसंद करती हूँ और मैं बना रही हूँ। कई बुजुर्ग भी पसंद करते हैं घरों में, तो जिनके घरों में ये पसंद की जाती है वो जरूर बनाएं। ये हमने नेटो से ही तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, और ये मैंने इसे आटा डाल के मल के धो लिया। अच्छे से इसको मल के धो लेना, फिर इससे स्मेल नहीं आएगी। और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन 2 चम्मच डालेंगे, अदरक 2 चम्मच, और ये 3 अदद टमाटर। ये हम दादर मिर्च डालेंगे, और नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, और ये साबुत मसाला। ये सब हम हसबे ज़रूरत डाल रहे हैं, आप भी अपनी हसबे ज़रूरत चीज़ें डालिएगा। और ये प्याज तकरीबन 3 अदद धनिया, और ये आधी प्याली दही, और ये मेथी ये भी डाल देंगे, और इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे। तो चलते हैं इसकी तैयारी करते हैं। अभी हम शुरू करने लगे हैं, ये हम उजरी की रेसिपी शुरू करने लगे हैं। ये हम उजरी डालेंगे, प्याज डालेंगे, ये मसाले डाल देंगे सभी। टमाटर हम भूनते हुए डालेंगे, और अदरक लहसुन पेस्ट आधा पहले डालेंगे, और बाकी भूनते हुए डालेंगे। तो जब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, इसमें 1 गिलास और पानी डाल देंगे, 3 गिलास पानी डाल दिया। और अभी हम इसका ढक्कन बंद करके चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया। अभी इस 15 मिनट के लिए सीटी बजेगी, फिर देखेंगे गल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं गला तो फिर दोबारा इसमें पानी डाल के इसको गलाएंगे। ये देखिए ये हम अभी इसका ढक्कन खोल रहे हैं। इसको तकरीबन हमने 25 मिनट इसको हमने सीटी बुलाई है, क्योंकि मैंने और पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 गिलास और पानी डाला था, ये गला नहीं था ना, इसलिए अभी ये गल चुका है। और हम अब इसको भूनेंगे, पानी की शक्कर थोड़ा सा, और
अभी इसका तुम इतना कुछ कर नहीं है, ये भी नजर आ रहा है। फिर इसको हम इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। ये हमारे टमाटर भी गल जाएंगे इसमें, और ये मैश भी हो जाएंगे, लहसुन प्याज वगैरह सब मैश हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर ऐसे छोड़ते हैं। ये देखिए ये पानी इसका हो चुका है, अब हम इसको बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही मज़ा आएगा। ये इतने टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के। जिन्होंने नहीं खाया उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब हम ऑयल इसमें डालेंगे। मैं इसको थोड़ा डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने दही डाला है, इसको भूना है अच्छी तरह, और फिर आप दही डाला है। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट भूना, भून भून के फिर इसको मैंने दही इसमें डाला है। अभी थोड़ा पकाएंगे। ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अभी इसमें हम ये थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, ये आधा चम्मच मसाला। ये आधा चम्मच सूखा धनिया, पहले भी ये चीज़ें डाली थी, अब भी डाल दी। और भी मेथी डाल देने लगी है। ये
एक चम्मच क्रीम डाल देंगे, क्रीम भी डाल दी। अब ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे। जी हम इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन खोला रख देंगे, ऐसे ही ये हमने उठा लिया ढक्कन। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त। ये जो लोग खाते हैं ना उन्हें पता है कितनी मजे की होती है। अगर आपने कभी नहीं खाई तो एक मरतबा जरूर इसे खाइएगा। अभी मैं डिश में डालने लगी हूँ। ये हमारी ओचरी, बकरे की ओचरी तैयार। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये हमारी बकरे की ओजरी तैयार हो गई। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को बकरे की उजरी की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खैर खैरियत से रखे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।